और इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा एमएलसी अशोक वाजपेयी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो लगातार मुश्किलों के दौर से गुजर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं अशोक वाजपेयी। अब तक चार एमएलसी छोड़ चुके हैं सपा का साथ, एक और एमएलसी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, मुश्किलों के दौर से गुजर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को चौथा बड़ा झटका लगा है। अब तक चार एमएलसी साथ छोड़ चुके हैं सपा का। फोन लाइन पर शबी अदर हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। शबी, लगातार समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके मिल रहे हैं और एक और झटका समाजवादी पार्टी की फेहरिस्त में जुड़ गया है अशोक वाजपेयी के रूप में। शबी, आपको आवाज आ रही है? शबी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब तक चार एमएलसी ने पार्टी का दामन छोड़ा है और एक बार फिर से इसी फेहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है अशोक वाजपेयी का, जो कि एमएलसी थे। इससे पहले बुक्कल नवाब, यशवंत और सरोजनी पहले इस्तीफा दे चुके हैं और एक और नया नाम अशोक वाजपेयी जुड़ चुका है समाजवादी पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर एक मुश्किल भरा दौर इसे कहा जा सकता है, मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है समाजवादी पार्टी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी ये बात कह चुके हैं कि जिन्हें पार्टी से जाना है वो पार्टी से जा सकता है, लेकिन आरोप लगाकर पार्टी का दामन ना छोड़। शबी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। शबी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका मिल रहा और एक इसी फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है अशोक वाजपेयी के रूप में। बिल्कुल, देखिए अशोक, जैसा हमने तय किया और लगातार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अशोक वाजपेयी का भी जो इस्तीफा है या इस्तीफा नहीं है, इसके बाद इस्तीफा देने वालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और आज अशोक वाजपेयी सामने आए हैं, जाहिर सी बात है काफी सीनियर व्यक्ति हैं, सीनियर समाजवादी रहे हैं, मंत्री रहे हैं ये, और विधान परिषद के सदस्य थे और इन पूरी समाजवादी पार्टी की जितने सरकार रही है उसमें इनकी अनदेखी की गई और ये इसी मुद्दे को लेकर इनका सही इस्तेमाल नहीं की, इनको कुछ सरकार में इनको समायोजित नहीं किया गया, इससे छिन्नभिन्न होकर इन्होंने उपयुक्त समय देखा है और आज इस्तीफा दे दिया है। जाहिर सी बात है इसके दो माने हैं, पहले माना तो यही है कि अशोक वाजपेयी ने इस्तीफा दिया। एक चीज और देखने को मिल रही है, अब तक जितने लोगों ने भी इस्तीफा दिया, चाहे वो बुक्कल नवाब हो, चाहे वो यशवंत सिंह हो, चाहे वो अशोक वाजपेयी हो, ये सभी लोग सीनियर लोग हैं और कम से कम दो दो बार के विधान परिषद के सदस्य हैं, मंत्री रहे हैं, तो सभी सीनियर जो काफी अनुभवी लोग हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये, आज से अखिलेश यादव क्रांति दिवस के तौर पर देश बचाओ और देश बनाओ रैली का शुरुआत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इनके इस्तीफे के रूप में इस पूरी जो रैली है, जो पूरा आयोजन है, इसको भी, इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करवाना होगा। तो इसलिए और अशोक वाजपेयी ने आज का दिन चुना है और इस्तीफा दिया है। आने वाले वक्त में भी समाजवादी पार्टी के, चाहे वो सीनियर पदाधिकारी हो या विधान परिषद के सदस्य हो, वो इस्तीफा देते हुए दिखाई दे। जी, बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह से शबी इसकी शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों भरा दौर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के लिए जिस वक्त इस पार्टी गुजर रही है, ये स्थिति शबी आ कहां से रही है? देखिए, जाहिर बिल्कुल सही आपने कहा, जो समाजवादी पार्टी की जो अब तक की राजनीति है, जो खेमाबंदी है, लगातार शिवपाल यादव को जिस तरीके से सरकार से बर्खास्त था और उसके बाद उसी नजरिए से देखा जा सकता है कि एक चीज जो मैंने बताई आपको, जो कॉमन है सबने, किसी भी युवा नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है, कोई भी युवा व्यक्ति आगे नहीं आया बगावत करने। ये वो लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथी हैं, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के साथ की थी, ये वो लोग इस्तीफे दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार में इनकी अनदेखी है और जब सरकार में मुलायम सिंह यादव की अनदेखी की गई तो इनकी, इनको क्या मिलने वाला है या इनको भविष्य में क्या मिलेगा, शायद ये लोग एक एग्जिट पॉइंट के तौर के ऊपर एक एग्जिट पॉइंट देख रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना, राजनीति सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है समाजवादी पार्टी, जिसे कहा जा सकता है सबसे बुरा दौर
समाजवादी पार्टी उससे गुजर रही है। और एक और बड़ा झटका एमएलसी अशोक वाजपेयी के तौर पर समाजवादी पार्टी को मिला है। अशोक वाजपेयी ने भी सपा का दामन छोड़ दिया है।